नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। मंडी समिति के पास एक नर्सिंग होम में उस समय हंगामा काटा गया जब प्रसव के लिए आई महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई। जी हां, यह मामला औरैया की मंडी समिति के पास एक नर्सिंग होम का है, जहां प्रसव के लिए इटावा जिले के भरथना गिरधारी पूरा से महिला को प्रसव के लिए लाया गया था। महिला का हीमोग्लोबिन कम होने के कारण बाद में उसको एक डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन कर दिया गया, जिससे महिला की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों ने शव रखकर हंगामा शुरू कर दिया। इसकी जानकारी सीएमओ औरैया को दी गई एवं साथ ही कोतवाली औरैया पुलिस एवं अन्य आला अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचकर परिजनों को समझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन परिजन डॉक्टर एवं लापरवाही का आरोप लगाकर कार्यवाही की मांग करने लगे, जिसे सीएमओ अर्चना श्रीवास्तव द्वारा अस्पताल को सील कर दिया गया। अन्य की कार्यवाही की जाएगी। मनोज तिवारी का नाम लिया है। वही पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक महिला की डिलीवरी का केस आ गया था, जैसे कि ये रहने वाले भरथना के हैं। आज इनका जब डिलीवरी से पहले पैथोलॉजी रिपोर्ट में 7 इनका आया था हीमोग्लोबिन, उसके पश्चात भी डॉक्टर द्वारा सर्जरी की गई। बताया जाता है कि दिव्यापुर से डॉक्टर ब्रजेश यादव आए थे सर्जरी के लिए और उसके पश्चात उनकी पोजिशन बिगड़ी और ये बताया गया कि एक जगह लापरवाही बरती गई, दूसरी सर्जरी थी और बिना पूरे प्रकाशन लिए हुए इनके द्वारा किया गया है। संपूर्ण तथ्यों की जांच की जा रही है। FIR इनके द्वारा अभी एक आवेदन दिया गया है, FIR दर्ज किया जाएगा और जो भी दोषी होगा उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। कोई कार्रवाई हुई है अभी इनके द्वारा दी गई है और इसको जांच करके इनके जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैडम, क्या मामला हो गया जो आप यहाँ पर आए हैं? ये जानकारी मिली है कि किसी नर्सिंग होम में किसी महिला का ऑपरेशन द्वारा बच्चा हुआ था तो उसकी डेथ हो गई, इसीलिए जांच कर रहे हैं। क्या कार्रवाई की जा रही है अस्पताल के ऊपर? क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, पहले तो अभी सील करते हैं, सील करके जो मरीज है उनको शिफ्ट कर दिया है जिला अस्पताल में, और सील करके उसके बाद जाँच करेंगे।